हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने रेडमी के फ़ोन में, यानी कि अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है, चाहे वो रेडमी नोट 8 हो, 8 प्रो, 9 हो, 9 प्रो हो, या फिर 10 हो, या तो फिर 10 प्रो हो, तो उसमें आप लोग अपने फ़ोन में किसी एप्लीकेशन में यहाँ पे लॉक लगा दिया है, पासवर्ड लगा दिया है, और आप लोग उसको यहाँ पे हटाना चाहते हैं, यानी कि किसी एप्लीकेशन में लॉक लगा हुआ है और उसको आप लोग यहाँ पे बंद करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड को एंटर कर देना है अपने फ़ोन का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो जो एप्लीकेशन में लॉक लगाया रहेगा वो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, और जिस एप्लीकेशन में आपने लॉक नहीं लगाया रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लॉक को लगा हुआ है उसको अनलॉक करना है। तो यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मैंने मैसेंजर में लॉक लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डिसेबल करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन में आपने लॉक लगाया हुआ था तो उसमें जो है लॉक अब जो है बंद हो जाएगा। तो उसके बाद अब जब आप लोग यहाँ पे किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यानी कि इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे उस टाइम जो है आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से गाइज, यहाँ पे आप लोग जो है अपने फ़ोन में एप्लीकेशन में अगर आपने लॉक लगाया हुआ है तो उसको आप लोग यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।